शाम के बज रहे 3। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स सभी को। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मौज में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो आज है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर मेरे लिए स्पेशल डे होता है, 16 अक्टूबर मेरा बर्थडे होता है। तो आज मैं सेलिब्रेट करने वाला अपना बर्थडे इन माई वे। अभी मैं चल रहा हूँ दिल्ली की जो सबसे मेरी फेवरेट जगह है वहाँ पे चल रहा हूँ। और चलो आपको इन्जॉय करते हैं और दिखाते हैं, मज़ा भी आएगा आपको भी। चलो आप भी। तो चलो लेके चलते हैं आपको मेरी मोस्ट फेवरेट जगह दिल्ली। करते हैं अपनी राइड की आज। तो आज मैं जा रहा हूँ रियानाथ, काफ़ी दिनों बाद रिया के साथ जाना। बस ये चॉकलेटें बांटनी हैं। तो यहाँ का हो गया काम, अब चलते हैं आगे और चलते हैं न्यू डेस्टिनेशन की ओर। आप भी बने रहिए मेरे साथ और करते रहिए एंजॉय। तभी जो न्यू डेस्टिनेशन जा रहा हूँ वहाँ आपके लिए भी मैंने कुछ ले रखा है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। बस यहाँ से थोड़ी दूर पे है, आपको बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। आपको अभी से वो दिखना स्टार्ट हो गया होगा, होप सो। नहीं तो चलो मैं अभी बता ही देता हूँ। वाह क्या नज़ारे, ऐसा नज़ारे देख के मन खुश हो जाता है। तो मेरे जस्ट सामने है गुरुद्वारा बंगला साहब, जहाँ मैं कभी भी एनी टाइम जाने के लिए बिल्कुल रेडी रहता हूँ। सामने आप देख पा रहे होगे बंगला साहब। तो चलिए चलते हैं, बस बाइक को पार्क करेंगे और फिर चलेंगे ऊपर। वाहेगुरु जी। तो अभी हमने ले ली पर्ची। यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, यहाँ की जो फैसिलिटीज है बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है यहाँ का। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, ये सब देख के मतलब दिल खुश हो जाता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं। तो अभी पहुँच चुका हूँ बंगला साहब, जो जहाँ के लिए मैं निकला था घर से। तो ले लिया है सामान, तो चलिए चलते हैं। लंगर के लिए दे दिया है प्रसादा, चलता हूँ दर्शन करने के लिए। बने रहिए मेरे साथ। तो ले लिया है यहाँ से प्रसादे, तो प्रसादे लेके अब जाऊंगा गुरुद्वारे और करूंगा दर्शन। वहाँ की अब वीडियो नहीं रिकॉर्ड करूंगा,
तो हो चुके हैं दर्शन, अब चलते हैं सूस लेने के लिए। तो ये भी है, यहाँ का भी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो चलिए पहन लिए मैंने सूज और कर तो चलिए चलते हैं रिया के पास और फिर कराते हैं दिल्ली दर्शन, मस्त वाले दिल्ली दर्शन। तो बने रहिए मेरे साथ और करते रहिए एंजॉय। होप करता हूँ आप भी एंजॉय करेंगे। तो चलिए गेयर अप कर लिया है मैंने, निकलते हैं। तो आपको पूरा बता देता हूँ क्या करने वाला हूँ। अब कुछ नहीं, कहीं नहीं स्टॉप होगा, जस्ट अब इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट होते हुए सीधे घर की ओर चलेंगे। तो बस इतना ऐसा ही था। तो थोड़ी सी वीडियो और डालूँगा इंडिया गेट होते हुए की, बस फिर क्या, घर पहुँचेंगे और फिर सेलिब्रेट करेंगे घर पे भी, वाहेगुरु जी। चलिए बने रहिए मेरे साथ और करते रहिए आप एंजॉय। तो ये लीजिए आ गया है अपना कनॉट प्लेस के आसपास, हम पहुंच गए अभी बंगला साहब के बाहर वाला एरिया है। तभी मेरे पास बची हुई कुछ चॉकलेट, तो उन चॉकलेटों को जो भी रास्ते में मिलेगा उनको बांटते हुए चलूंगा। घर तक पहुंचो तो सब फिनिश होना चाहिए। तो अभी बहुत सारी बची हुई हैं चॉकलेटें, तो बस होप करता हूँ रास्ते में मुझे बच्चे मिल जाएं और मैं उनको बांटता हुआ घर चला। तो हो सकता हो वो वीडियो शूट ना कर पाऊँ क्योंकि कैमरे में बैटरी बहुत कम बची हुई है, गोपरो में जो बैटरी है बहुत कम है। तो लीजिए जी आपके पहुँच गया हूँ मैं इंडिया गेट के पास। यहाँ से नेक्स्ट सर्किल जो आएगा वो होगा इंडिया गेट का, एक राउंड लेके इंडिया गेट के और पहुंच जाएंगे बिंदास। तो चलिए अब मैं अपने ऑडियो को करता हूँ स्टॉप और आप व्यू देखिए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।